And there gold money, rain, couple yet not check. You have so money, love dick, you're shining. Пару лям of money on my neck, gold money, rain, couple yet not check. Is my name, это мой money, no pain, no gain, иди на money. Дора is my name, right at the pain, pain, заряжай, бля, got my baby money. Hello, boys and grills. Grill नहीं है, but ठीक है, कोई नहीं. Finally, एक और थ्योरी, और वो भी एक भर भर के व्यूज़ देने वाली टॉपिक पे. गॉड वैली भाई, आज वाली थ्योरी ओरिजिनल होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है शायद, और ये थ्योरी दोनों हाइपोथेटिकल और फैक्ट्स बेस्ड होने वाली है. मांगा स्पॉयलर्स है वीडियो में, वो भी भर भर के, तो मांगा वाले रुको, एनमे वाले बाय, और लेट्स जस्ट रोल द इंट्रो एंड यू नो स्टार्ट द मेन फन. लेट्स बिगिन. गॉड वैली, हाँ, दिमाग में ये चीज़ सुन के सबसे पहले क्या आता है? गॉड वैली इंसिडेंट, राइट. चलो इस थ्योरी को बताने से पहले बेसिक्स जानते हैं, क्योंकि बेसिक्स आर इम्पॉर्टेंट. अभी के टाइम लगे करीब 38 साल पहले, मतलब 38 ईयर्स पहले, गॉड वैली इंसिडेंट नाम का इंसिडेंट हुआ था इन एन आइलैंड नेम्ड गॉड वैली, जो कि एक बैटल था बिटवीन रॉक्स पायरेट्स एंड मरीन्स प्लस अ सर्टन पायरेट क्रू. सेलेस्टियल ड्रैगन्स इस आइलैंड में थे और कुछ हरकत कर रहे थे, और उन पर अटैक कर दिया था रॉक्स डी ज़ेबेक ने अपने पायरेट क्रू के साथ, और इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को बचाया था गार्प और रॉजर ने एक टेम्प्रेरी अलायंस बना के. और हाँ, सेलेस्टियल ड्रैगन्स के साथ इस इंसिडेंट के टाइम पे इस आइलैंड में स्लेव्स भी थे फॉर सम रीज़न. एंड आफ्टर रॉक्स डेथ, जब ये इंसिडेंट ख़त्म हुआ, उसके बाद गॉड वैली आइलैंड वैनिश हो गया. अब कुछ क्वेश्चंस इस इंसिडेंट के बारे में जान के उभरते हैं. नंबर वन, सेलेस्टियल ड्रैगन्स और स्लेव्स वहाँ पे क्या कर रहे थे? नंबर टू, गॉड वैली आइलैंड अचानक से वैनिश क्यों हो गया और किसने वैनिश किया? नंबर थ्री, इस इंसिडेंट के बारे में और रॉक्स के बारे में और इस आइलैंड के बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट क्यों पूरी दुनिया से छुपाती है? नंबर फोर, रॉक्स का क्या मोटिव था सेलेस्टियल ड्रैगन्स पर अटैक करने का, और वो उस आइलैंड पे क्यों गया था? नंबर फाइव, वॉज गॉड वैली आइलैंड स्पेशल? नंबर सिक्स, क्या सेंगोकू ने अपने को जितना बताया गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में, वो झूठ था या फिर इनकम्प्लीट था? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं ट्राई करूंगा इस थ्योरी के थ्रू देने का, तो वीडियो स्किप ना करना और ढंग से सुनना हर चीज़. सबसे पहले जानते हैं कि वॉज गॉड वैली आइलैंड इवन स्पेशल, एंड इफ येस देन इन वॉट वे? मैं बताता है. गॉड वैली, नाम से सुन के पता चल रहा है कि ये आइलैंड संभव गॉड से रिलेटेड है, ठीक है. अब गॉड कौन है वन पीस में? सेलेस्टियल ड्रैगन्स. और जो गॉड्स मेंशन हुए हैं वन पीस में, वो है एक सन गॉड निका, और वो स्काइपिया में जो गॉड ऑफ फॉरेस्ट और दो तीन गॉड थे वो, और अपना गॉड उसॉप. इतने ही गॉड बस आज तक मेंशन हुआ है, गेस है ना. लेकिन इसके अलावा भी एक पर्टिकुलर जगह पे गॉड का मेंशन हुआ है, एंड दिस पर्टिकुलर मेंशन इज़ इन चैप्टर 10:23, जहाँ पे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं मार्को का. मार्को के फ्लैशबैक में व्हाइटबेट मार्को को बोलता है कि बहुत टाइम पहले रेड लाइन के ऊपर मरीजवा से पहले लैंड ऑफ गॉड्स था. और अगर तुमको ये चीज़ याद थी, तो तुमको ये भी याद होगा कि मार्को ये चीज़ किसके बारे में सोचते हुए याद किया था? अपना आर्बर उर्फ किंग उर्फ अपना लास्ट लूनेरियन. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गॉड वैली आइलैंड था, ये समहाउ लूनेरियन से कनेक्टेड था? जी हाँ, अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, गॉड वैली आइलैंड वॉज एन आइलैंड ऑफ लूनेरियंस. क्योंकि जैसा अपने को पता है कि रेड लाइन में मरीजवा से पहले लूनेरियंस उधर रहते थे, लेकिन फिर मरीजवा कैसे बना वहाँ पर? सिंपल सा आंसर है इसके पीछे, लूनेरियंस को वहाँ से भगा दिया गया, या फिर उधर से उनका जेनोसाइड करने का कोशिश किया गया, बट लूनेरियंस सर्वाइव्ड एंड केम टू अ पर्टिकुलर आइलैंड, जिसको बाद में गॉड वैली के नाम से जाना गया. अब दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली हार्ड टू बिलीव, क्योंकि किंग से पहले तो लूनेरियंस जिंदा थे ना, तभी तो किंग पैदा हुआ लमाओ. तो वॉट आई एम सेइंग इज़ कि गॉड वैली आइलैंड वॉज द आइलैंड ऑफ लूनेरियंस. अब गॉड वैली में लूनेरियंस रहते थे, वो स्पेशल था, ठीक है, बट फिर सेलेस्टियल ड्रैगन्स उधर क्या कर रही थी, और स्लेव्स का भी क्या सीन है भाई? तो लूनेरियंस का जो एग्जिस्टेंस है, वो फॉर सम रीज़न वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खतरे की चीज़ है. हाउ डू आई नो दिस? अरे भाई, लूनेरियंस के एग्जिस्टेंस पे बाउंटी लगा रखा है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, और उनको उनके घर से ही भगाया गया था. लूनेरियंस आर समहाउ प्रॉब्लमेटिक फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसी रीज़न से सेलेस्टियल ड्रैगन्स गए थे गॉड वैली, ताकि वो या तो इस लूनेरियन स्पीसीज को पूरी तरह ख़त्म कर दे, या फिर अपना स्लेव्स या फिर एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए इनको कैप्चर कर ले, जो कि आगे जाके हुआ भी. किंग को देखो भाई, वो कैप्चर हो गया था बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट, और शायद इसलिए किंग और काइडो का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है,
क्योंकि दोनों के दोनों गॉड वैली इंसिडेंट के सर्वाइवर्स हैं। लूनेरियंस की हिस्ट्री और उनका एग्जिस्टेंस वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है, मान लिया। लूनेरियंस को हंट डाउन करने के लिए सेलेस्टियल ड्रैगन्स गए थे गॉड वैली में, मान लिया। लेकिन लूनेरियंस तो हद स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है ना, और उनके आइलैंड में जाके उनको मारने की कोशिश करना, सेलेस्टियल ड्रैगन्स इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे? और सेलेस्टियल ड्रैगन्स से कर ही कैसे सकते हैं, क्योंकि वो तो एकदम फुद्दू गंदे से शक्ल के रईस के चुमदे हैं ना। वो सुअरों से ये लूनेरियंस कैसे वाइप हो सकते हैं यार, है ना? वेल, दिस होल थिंग लीड्स अस टू अनदर क्वेश्चन कि हु एग्जैक्टली वर दिस सेलेस्टियल ड्रैगन्स, मतलब कौन थे ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स जो भाई गॉड वैली गए थे और उस टाइम गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम पे वहाँ पे थे। तो पहले तो एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि सब सेलेस्टियल ड्रैगन्स वीक नहीं होते। प्राइम एग्जाम्पल इज डॉफी भाई, वो बंदे के पास हाउशोकू हाकी है। और एक और एग्जाम्पल दूँ, गुरोसे। वेट, व्हाट? गुरोसे स्ट्रॉन्ग है? लेकिन हमको तो कभी दिखाया नहीं गुरोसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ, गुरोसे स्ट्रॉन्ग है। अगर तुमको लगता है कि गुरोसे वीक है तो तुम हद लेवल दूर हो, क्योंकि गुरोसे को वीक समझा ही नहीं जा सकता। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरी, तो मेरे को ये चीज़ थोड़ा डिटेल में समझाने दो, ठीक है? तो जो गुरोसे है ना, वो बिल्कुल वीक नहीं है। रीजन से मेरे पे ऐसा सोचने का, पहला तो ये है कि गोरोसेस का बिना स्ट्रॉन्ग हुए पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को चलाना इज़ इम्पॉसिबल। मतलब एक सिचुएशन सोचो, अगर मरीन्स अभी के टाइम पे गद्दार हो गए तो उनको रोकेगा कौन भाई? अगर गोरोसे जो वर्ल्ड के लिए लीडर्स है वर्ल्ड गवर्नमेंट का, वही वीक होंगे तो फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा आके गोरोसे की बजा के चल देगा ना। तुमको सही में लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट विदाउट मरीन्स कुछ नहीं है? प्लस गोरोसे में एक गांधी गोरोसे तलवार लेके घूमता है, अब शो केस के लिए थोड़ी ना लेके घूमेगा उसको। और स्कार्स भाई, भाई स्कार्स है दो गोरोसे के चेहरे में, वो वीक है तो स्कार्स कैसे आया बम्बू? स्कार्स है मतलब उन्होंने लड़ा है, राइट? और लड़ा है मतलब वो लोग स्ट्रॉन्ग है। एंड व्हाट इफ आई से कि गोरोसे इज़ वर द सेलेस्टियल ड्रैगन्स जो कि गॉड वैली गए थे, तो विल आई साउंड स्टूपिड? वेल, मेरे पे ऐसा अज्यूम करने के रीजंस भी हैं। पहला कि गोरोसे जो हैं वो एक्चुअली में हाईएस्ट अथॉरिटी वाले सेलेस्टियल ड्रैगन्स ही हैं, और ये चेंज होते हैं। चैप्टर 1037 में गोरोसे ने इनडायरेक्टली बोला था कि उनसे पहले भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को किसी और ने लीड कर रखा है, मतलब कि उनसे भी पहले शायद गोरोसे थे, मतलब अभी वो गोरोसे हैं लेकिन उनसे पहले गोरोसे थे, और उन्होंने ही जो है लूफी के फ्रूट का नाम चेंज किया था। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अभी जो गोरोसे हैं ये प्रॉपर बुढ़े हैं, ना कि इटर्नल लाइफ वाले बुढ़े। और इनका एज कितना होगा बताना ज़रा, 80-90 में भी, और गॉड वैली इंसिडेंट हुआ था 38 साल, 38 ईयर्स पहले, मतलब कि उस टाइम पे ये पांचों करीब 50-60 के होंगे, है ना? मतलब कि दीज बुढ़े वर इन देयर प्राइम एट दैट टाइम। और इन पे रीज़न भी है खुद से जाके लूनेरियंस को हैंडल करने का, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर सम रीज़न वॉन्ट्स टू हाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लूनेरियंस, एंड मरीन्स का इन्वॉल्वमेंट इनके एग्जिस्टेंस को हाइड करने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये पांच बुढ़े जो कि 38 साल पहले जवान थे, 50-60 मतलब वन पीस में तो जवान ही होता है, गए थे गॉड वैली खुद से लूनेरियंस से पंगा लेने, और ये बुढ़े इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनको भरोसा था कि ये पांचों सारे लूनेरियंस को संभाल लेंगे। लेकिन क्या ये रॉक्स और उसके पायरेट क्रू को भी संभाल पाते? तो अब एक बड़ा क्वेश्चन इधर से उभरता है, रॉक्स वहाँ पे क्यों गया और वो क्या सोच के इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स उर्फ गोरोसे पे अटैक किया? आंसर इज टू अकॉम्प्लिश 3 गोल्स। पहला कि रॉक्स वर्ल्ड पे रूल करना चाहता था, और स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल ड्रैगन्स उर्फ गोरोसे खुद इस आइलैंड में अकेले गए थे विदाउट मरीन्स। ये न्यूज़ समहाउ रॉक्स को पता चला थ्रू स्पाई में भी, और रॉक्स पहुंच गया गॉड वैली अपने पूरे क्रू के साथ इन गोरोसेस को वाइप आउट करने। सेकेंड, रॉक्स लूनेरियन को रेस्क्यू करने गया था ताकि वो उनको अपने क्रू में रिक्रूट कर सके, और लूनेरियंस का वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वैसे भी ग्रज है, तो वो उस ग्रज को वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज़ करना चाहता था ताकि वो अपना किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का ड्रीम पूरा कर सके। थर्ड, रॉक्स लूनेरियंस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, क्योंकि सेंगोकू ने चैप्टर 957 में ही बोला था कि रॉक्स ने बहुत टैबू वाले हरकत किए हैं। मे बी वो लूनेरियंस ह्यूमन का एक ब्रीड चाहता था, जिसके लिए वो शायद लिनलिन को बोलता, मतलब कुछ हरकतें करता वो लूनेरियंस के साथ, और ये तीनों हरकतें ईजिली पॉसिबल थी अगर रॉक्स पायरेट्स उधर गोरोसे को हरा देते तो, क्योंकि पांच गोरोसे को हैंडल करने के लिए टू मच पावरफुल कैरेक्टर्स लेके आया था भाई रॉक्स, जैसे कि वाइट बियर्ड, लिनलिन, काइडो, शिकी और वो खुद भी। मुझे कैसे पता कि ये सब लोग इस इंसिडेंट के टाइम पे इस आइलैंड में थे? मैंने इनका नाम लिया क्योंकि चैप्टर 957 में ही हम एक सेंगोकू का इमेजिनड सिल्वेट देख सकते हैं, जिसमें ये सब रॉजर और गार के सामने फाइट करने के मूड से खड़े थे, और उस सिल्वेट में रॉक्स के पास स्वॉर्ड भी था। लेकिन रॉक्स डी ज़ेबेक वॉज अनलकी,
क्योंकि गोरोसे को बैकअप मिल गया, बैकअप ऑफ मरीन्स जिसमें गार्प था और फॉर सम रीज़न उसके साथ रॉजर पायरेट्स भी थे। और इधर से चालू हुआ था मेन बैटल गार्प रॉजर वर्सेस रॉक्स पायरेट्स। लेकिन डोंट यू थिंक ये बहुत बड़ा मिसमैच है? मतलब रॉजर गार्प कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, वाइट बेट, शिकी, बिग बॉम, काइडो, रॉक्स, ये सबको मिलकर थोड़ी ना हरा देंगे। लेकिन रॉजर और गार्प के साथ फाइट करने आए यहाँ पे गोरोसे, एंड यही चीज़ शायद से गार्प को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को नहीं याद करने में मजबूर करता है। क्योंकि सिर्फ ये बोलना कि गार्प इस इंसिडेंट को याद नहीं करता क्योंकि वो रॉजर के साथ लड़ा था, दिस साउंड्स लेम। गार्प रॉजर के मोमेंट्स दिखे हैं भाई अपने को, गार्प क्यों गलत फील करेगा रॉजर के साथ टीम अप करके, गार्प वॉज अ फ्रेंड ऑफ रॉजर। लेकिन क्योंकि गार्प गोरोसे के लिए और गोरोसे के साथ लड़ा, उसको ये इंसिडेंट पसंद नहीं। अब क्या गार्प और रॉजर लड़ाई कर रहे थे अपना टाइम पास वाला बिफोर गेटिंग इन्फो अबाउट गॉड वैली? शायद तभी रॉजर भी ऑफर पेल दिया शायद कि लेट मी गो टू, एंड गार्प मान गया। गार्प और मरीज को कैसे पता चला कि गोरोसे गॉड वैली में है? आंसर इज मे बी अ बस्टर कॉल। गोरोसे ने रॉक्स के अराइवल के बाद बस्टर कॉल बुला लिया और स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन को जाना पड़ा। गार्प शायद नहीं जाता अगर रॉक्स वहाँ पे नहीं होता तो, यू नो, टिपिकल मैं सिलेस्टर ड्रैगन्स का नौकर नहीं है वाला एटीट्यूड। और क्योंकि रॉक्स वहाँ पे था तो गार्प चले गया रॉक्स को हराने, उसको सिलेस्टर ड्रैगन नहीं बचाना था, मेन रॉक्स को हराने गया वो। लेकिन एक मिनट, इन लोग के बैटल में लूनेरियंस क्या कर रहे थे? वो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे थोड़ी होंगे, राइट? कुछ तो किया होगा ना उन्होंने भी। तो वॉट वर लूनेरियंस डूइंग ड्यूरिंग दिस बैटल? आंसर इज कुछ नहीं। मैनी लूनेरियंस वर नॉक्ड आउट बिकॉज ऑफ द बैटल। मतलब इस बैटल में 4 कन्फर्म्ड कॉन्करर्स की यूजर्स थे, वाइट बेड, रॉजर, काइडो, बिग मॉम। लूनेरियन स्ट्रॉन्ग है लेकिन किंग के विल के सामने सब थोड़ी बच जाएंगे। और बाकियों को शायद गोरोसे ने रॉक्स के आने से पहले टपका दिया था शायद, या फिर गोरोसे कोई गैस वैस टाइप लेके गए थे ताकि वो लूनेरियन से हलवे की तरह निपट ले। अबाउट की क्यों वो साइपर फोल को नहीं भेजे, क्योंकि लूनेरियन रेस इज टू मच फॉर सीपी टू हैंडल। सीपी स्ट्रॉन्ग है बट लूनेरियंस भाई कुत्ते की तरह मारेंगे उनको। और गोरोसे में से हो सकता है किसी पे कॉन्करर सा की हो, मतलब आई मीन वर्ल्ड पे रूल करते हैं ये बुड्ढे और ईहू, कॉन्करर साथी नहीं होना मुश्किल है। और अबाउट की रॉक्स का गॉड वैली में कैसे डेथ हुआ और रॉक्स पायरेट्स कैसे डिसबैंड हो गया, इसका आंसर तो सिंपल है भाई, गार्प रॉजर मिलकर रॉक्स को अकेले पेले, कैप्टन मरा और सब क्रूमेट्स भाग गए बचने के लिए, जिसमें से बिग मोम और काइडो भी थे। लिनलिन ने काइडो को वो ओनोमी मॉडल सेरियू दे दिया था भागते टाइम, रिमेंबर, ऐसा बोला था उसने। शिकी ने चैप्टर 0 में भी रॉजर से किसी पुराने इंसिडेंट के बारे में बात किया था, मे बी ही वॉज टॉकिंग अबाउट रॉक्स पायरेट्स वर्सेस मरीन्स एंड रॉजर पायरेट्स एंड गोरोसे। लेकिन चलो, शिकी, बिग मोम, काइडो ये सब तो चोर जैसे हैं, हरामखोर कैरेक्टर्स हैं, ये भागे समझ आता है। वाइट बियर्ड का क्या भाई, उसको क्या हुआ? क्योंकि सेंगोकू के अकॉर्डिंग वो बैटल में और उस आइलैंड में था, तो वो भी भाग गया था क्या? लेकिन अपने को मरीनफोर्ड वॉर में क्लियरली बोला गया था कि व्हाइटबेड कभी अपने फाइट से नहीं भागा था पास्ट में, तो व्हाट आई थिंक इसके व्हाइटबेड वहाँ पे लड़ा और उसका फाइट ओवर होने से पहले ही रॉक्स मर गया और वो बैटल वहीं पे ख़त्म। व्हाइटबेड के फ्रूट के चलते उसको कोई पकड़ नहीं पाया, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन बूम बूम करता वरना वो। और वैसे भी रॉजर और गार्प तो मेनली रॉक्स के चक्कर में एग्जॉस्ट हो गए होंगे, किसी एक गोरोसे के साथ व्हाइटबेड लड़ा होगा मे बी और हारा नहीं, और बिग मॉम काइडो लोग उधर से भाग गए मे बी क्योंकि दे वर नॉट पावरफुल इनफ, हो सकता है ऐसा कुछ। हाइपोथेटिकल बातें, फुल हाइपोथेटिकल बातें कर रहा है ना, और करते हैं, चलो भाई मज़ा आ रहा है। नाउ रॉक्स हार गया, ठीक है भाई, रॉक्स पायरेट डिसबैंड हो गया, ठीक है, इंसिडेंट शांत हो गया, ठीक है, फिर क्या? फिर गॉड वैली को गायब करती वर्ल्ड गवर्नमेंट, लेकिन क्यों? दिस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जैसे थ्योरी के स्टार्टिंग में बोला था कि लूनेरियंस का एग्जिस्टेंस इज फॉर सम रीजन अ थ्रेट फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसीलिए गॉड वैली को गायब कर दी वर्ल्ड गवर्नमेंट ताकि वो लूनेरियंस का ट्रेस मिटा सके। और शायद गॉड वैली के साथ साथ सारे लूनेरियंस को भी मार दिया गया एक्सेप्ट बच्चे लूनेरियंस जिनको एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए कैप्चर कर दिया गया, एंड इनमें से ही था अपना आर्बेर। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों गार्प इस इंसिडेंट को याद नहीं करता, क्योंकि उसने खुद के आँखों से लूनेरियंस का जेनोसाइड देखा और वो कुछ कर भी नहीं पाया। अबाउट कि लूनेरियंस के आइलैंड गॉड वैली पे 38 साल पहले ही क्यों गोरोसे अटैक किए, क्योंकि शायद उससे पहले वो आइलैंड हिडन था, उसके बारे में किसी को पता नहीं था शायद, जस्ट लाइक लॉफ्टेल जिसको आज तक कोई नहीं खोज पाया। बट किसी तरीके से गॉड वैली को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने खोज लिया और फिर तो ये भाई टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई, मतलब पावरफुल लोग आते गए भाई। शायद इस आइलैंड में लूनेरियंस होने की वजह से बिग मॉम को लूनेरियन रेस का नॉलेज था, तभी तो वो वानों में किंग को देखती ऑफर मारती थी कि आजा मेरे क्रू में, और फिर वो
यू नो। एंड क्या सेंगोकू ने जो गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में बोला वो झूठ था? नहीं, ओडा ये हरकत नहीं करेगा कि एक इन्फो को बताए और बाद में बोले कि नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था। हितोनोमी वाले चीज़ में भी भाई उन्होंने उसको हिडन रखा, झूठ नहीं बोला। लेकिन आई एम 100% श्योर कि सेंगोकू ने पूरा इंसिडेंट बताया ही नहीं है अपने को, और उसने झूठ ना बोल के ऐसे वे में सच बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टफ किसी को समझ ही नहीं आया। जैसे कि उसने गोरोसे के बदले सेलेस्टियल ड्रैगन्स बोला उनको, और लूनेरियंस के बदले स्लेव्स, और क्योंकि स्लेवरी इज कॉमन इन वन पीस वर्ल्ड ये किसी को नया नहीं लगा। और हाँ, क्यों लूनेरियंस थ्रेट है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, आई सीरियसली डोंट नो। शायद लूनेरियंस समहाउ जॉयबर से कनेक्टेड है या फिर मून गॉड से, क्योंकि अपने को पता है कि स्काइपिया वाले सन गॉड को वर्शिप करते थे, तो मे बी लूनेरियंस मून गॉड को वर्शिप करते थे। लूनेरियंस में लूनर का मतलब मून होता है वैसे भी, और शायद ये मून गॉड का एग्जिस्टेंस एक्चुअली में थ्रेट है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, जस्ट लाइक सन गॉड मे बी। एंड आई गेस मेरी थ्योरी यहीं पर ख़त्म होती है। दिस वॉज ऑल माई थ्योरी अबाउट गॉड वैली एंड गॉड वैली इंसिडेंट। एक बार समराइज करें, अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी गॉड वैली एक आइलैंड था लूनेरियंस का, जहाँ पे वो लूनेरियंस थे जो रेड लाइन से बच गए थे। गोरोसे को गॉड वैली के बारे में पता चला और वो खुद चल दिए इसको संभालने, क्योंकि उनको किसी और के सामने लूनेरियन स्पीसीज के बारे में नहीं बताना था। गोरोसे के गॉड वैली खोजने का इन्फो समहाउ रॉक्स को मिल गया और वो निकल गया गोरोसे को ख़त्म करने और लूनेरियंस का सपोर्ट और पावर गेन करने। गोरोसे समहाउ लूनेरियंस को ट्रिक करके या पावर से मार दिया, सुला दिए। उसके बाद वहाँ पे रॉक्स आया अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू के साथ, और रॉक्स के अराइवल से बस्टर कॉर बुलाना पड़ा उनको, जिसके रिस्पांस में कोई एडमिरल नहीं बल्कि अपना गार्ब दादा गया, जो कि उस टाइम पे दादा नहीं था। और गार्ब क्योंकि रॉजर से लड़ रहा था, रॉजर बोला कि मैं भी चलता है रॉक्स को संभालने। गार्ब रॉजर टेम्पररी अलायंस बनाया था कि वो रॉक्स को टेक डाउन कर सके, एंड दे मैनेज्ड टू डू सो। एक बहुत बड़ा बैटल हुआ बिटवीन रॉक्स पायरेट्स एंड मरीन्स, रॉजर पायरेट्स एंड गोरोसे, जिसमें रॉक्स पायरेट्स हार गए, रॉक्स मर गया, काइडो बिग मॉम शिकी लोग भाग गए, वाइट बेट को लास्ट में गुरा गोरोनोमी और हद पावरफुल होने की वजह से, प्लस वाइट बेट को ये फाइट चाहिए भी नहीं था इस रीज़न से जाने दिए। काइडो को बिग मॉम भागते टाइम वो ओनोमी से एरियो दे दी ताकि वो मे बी काइडो के साथ उड़ के उधर से भाग जाए। गार्प इस इंसिडेंट के बाद हीरो ऑफ द मरीन्स के नाम से जानने लगा, एंड इस इंसिडेंट के बाद गॉड वैली अलॉन्ग विद लूनेरियंस को वर्ल्ड गवर्नमेंट समहाउ वैनिश कर दी, और कुछ लूनेरियन किड्स को अपने साथ ले गई एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसमें से एक किंग भी था। और फिर सब अपने रास्ते, वाइट बिट काइडो बिग मॉम शिकी और बाकी रॉक्स के मेंबर्स अपने रास्ते, वो अपना क्रू बना लिए, रॉजर अपने रास्ते, गार्क मरीन्स वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने रास्ते, एंड ये था पूरा गॉड वैली इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी। एंड दिस ऑल्सो कंक्लूड्स दिस वीडियो। एक और थ्योरी आने वाला है जॉयबॉय पे, वो थ्योरी भी अच्छा होगा आई गेस। ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी से ज़्यादा स्टोरी है, पता है। बट तुमको पता है कि मैं जो थ्योरीज लाता है वो हाइपोथेटिकल होती है, लेकिन ऐसे थ्योरीज होती है जिसमें स्टोरी लाइन में परफेक्ट फिट बैठने का पोटेंशियल हो। और गॉड वैली के बारे में आप लोगों को कितना ही पता है यार, मैं इस पर कैसे फैक्ट्स बेस्ड थ्योरी ला सकता हूँ बताओ ना। लेकिन जो जॉयबॉय पे जो थ्योरी आने वाली है ना, उसमें मैं बहुत फैक्ट्स यूज़ किया है, और वो तुमको अच्छा लगेगा मुझे ऐसा लगता है। शायद ये थ्योरी भी तुमको पसंद आया, पता नहीं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू सी माई फेस, 5K पे फेस रिवील है। लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स इस वीडियो में, नहीं होने वाला, बट वी हैव सीन इनफ मिरेकल्स, क्या पता हो जाए। एंड यस, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।